चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि ओवैसी ने टोपी पॉलिटिक्स को एक बार फिर से उछाल दिया है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना चाहती है लेकिन उनको टिकट नहीं देती है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की भी यही कहानी है और ये तीनों पार्टियां जब से आई हैं, चाहे ओवैसी चाहे आम आदमी पार्टी, तब से गुजरात की जो सियासी लड़ाई है वो दिलचस्प हो गई। पहले बीजेपी और कांग्रेस में लड़ाई होती थी लेकिन अब ओवैसी और आपके आने के बाद से ये मामला और दिलचस्प हो गया है। ओवैसी एक बार फिर से टोपी की पॉलिटिक्स करते हैं और कहीं कहीं बीजेपी के पिच पर आने की कोशिश कर रहे हैं और इस पिच पर अगर आप बैटिंग करेंगे तो फायदा बीजेपी को मिलता है और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। दानिश भाई आपके पास आएंगे, ये ओवैसी साहब ने जो टोपी पॉलिटिक्स की और जैसा उनको उनके बारे में तमाम चाहे आप हो चाहे कांग्रेस हो वो कहती है भाई ये बीजेपी की बी टीम है और इस तरह की अगर वो बात करेंगे कि भाई टोपी वालों को टिकट नहीं दिया, 80-20 की बात करेंगे, ये तो बीजेपी के पिच पर बैटिंग करने वाली बात हो गई। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए अंजनी जी, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो त्रिपाठी साहब बैठे हैं उनको जवाब दूंगा। उन्होंने यहाँ बैठ के जो मुसलमानों का अपमान किया है, उनके कहने का मतलब ये था कि 182 में कोई भी काबिल मुसलमान नहीं है। इसका मतलब है कि सारे नाकाबिल हैं, कोई भी उनके क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता है। और वो ये कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो है विनेबिलिटी देख, इसी नक्शे कदम पे कांग्रेस चल रही है। उनका जवाब मैं बाद में दूंगा लेकिन पहले त्रिपाठी जी को जवाब दे दूं। आप मुझे बताइए कि क्या 2017 में 182-182 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी या हारी नहीं थी भारतीय जनता पार्टी? और जहां हारी थी तो जब हारने के लिए भी आपने उम्मीदवार दिए हैं या हार भी सकते हैं ऐसे ही उम्मीदवार दिए हैं, तो फिर आपका वो जो वादा है त्रिपाठी साहब कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये जो है ये बिल्कुल खोखला यहाँ बिल्कुल साबित हो गया। क्यों मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हम बात करते हैं संविधान की और मैं संविधान के मातहत ही बात कर रहा हूँ कि जब हमारा संविधान हमारा आईन मुल्क का दस्तूर इस बात की गारंटी देता है कि हर नागरिक हर समाज के हर पंथ के पास उसकी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक समानता मिलेगी, तो आप मुझे बताइए देखिए निकाय चुनाव जब हुआ था, निकाय चुनाव में उन्होंने ठीक ठाक जो है टिकट दिया था मुसलमानों को, तो आपको क्या लगता है कि निकाय चुनाव में टिकट विधानसभा में नहीं, वो कह रहे भाई जिताओ उम्मीदवार दे के टिकट देते हैं, इसलिए धर्म नहीं देखते हैं। 10% से ज्यादा आबादी है गुजरात में, कितने फीसद दिए थे? अब उसके बाद में अजय जी को भी जवाब दे दूं। अजय साहब, अजय जी ये कह रहे थे कि भाई जो है उन्होंने भी वही बात कह दी कि भाई स्क्रूटनी कमेटी जो है वो ये देखती है कि कैंडिडेट कैसे जीतेगा नहीं, और उनकी कमेटी ये नहीं देखती कि जीतने के बाद वो कांग्रेस में रहेगा या भाजपा में बिक जाएगा, ये नहीं देखती उनकी कमेटी, ये देख लेती है कि जीतेगा कौन। और जवाब साहब जो हमारे अच्छे दोस्त हैं उनको मैं राकेश जी जवाब दीजिए, भाई साहब राकेश जी जवाब दीजिए, डी राकेश जी जवाब दीजिए, अजय जी के पास चलते राकेश जी जवाब दीजिए आप। देखिए मुझे लगता है देखिए दानिश को जवाब तो मुझे लगता है आपके पीछे जो एक सुंदर सा दृश्य दिख रहा है वो दृश्य अपने आप में दे रहा है। आपके पीछे अंजनी जो दृश्य दिख रहा है देख करके एक मुगलता सा हो सकता है कि आप क्या लंदन से खड़े होकर के रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इतना शानदार दृश्य। मैं मानता हूं विकास ही इसका जवाब है। ये जितनी नफरत की पॉलिटिक्स करेंगे, ये जितना सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाली जहरीली जुबान बोलेंगे, उतना ही जनता विकास के मुद्दे पर फिर फोकस करके वोट करेंगे। अच्छा, हम ये बार बार कह रहे हैं कि अगर विजिबिलिटी के आधार पर नहीं दे रहे तो 182 सीट पर, अरे भाई लड़ा लो ना 182 सीट पर। आप तो ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से पूरी एक पार्टी बनाकर चलाते हो ना, लड़वा लो ना 182 की 182। सच्चाई यह है कि जमानतें जब्त हो जाती है, जमानतें जब्त हो जाती है आपके कैंडिडेट्स की, इसलिए बड़े बोल बोलने के लिए भेदभाव है अपनी बीच में बोलना कहलाती है, ये बीच में बोलना आप बताइए गुजरात सरकार में जवाब भाई, मैं आउटडोर
सकते हो, एक एक करके बोलिए। जवाब भाई मैं आउटडोर भी, आपकी आवाज क्लियर नहीं, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। अभी राकेश त्रिपाठी बोले, राजा जी के पास चलते जवाब में आऊंगा। अरे देश को जवाब दो, यही तो है, यही पूछ रही देश की जनता के। मोरबी की घटना हो गई, इतनी बड़ी देश को जवाब दो। अजय जी, अजय जी आपके पास आते हैं, अजय जी आपके पास आते हैं, दानिश भाई ने आपको भी जवाब दिया तो बीच में नहीं आ रहा। जवाब भाई जब बड़े बोलते हैं सैयद जवाद तो बीच में नहीं बोला करते। सैयद जवाद, सैयद जवाद पहले संस्कार सीखो, जब बड़े बोलते हैं है। तो बीच में नहीं बोला। अरे आपसे हमें सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं सर, जब आपसे सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। अंजनी जी सवाल पूछ रहे हैं, हम सवाल पूछेंगे आपसे, मोरबी की घटना के ऊपर भी सवाल पूछेंगे, बेरोजगारी के ऊपर भी सवाल पूछेंगे। जवाब जी सवाल मुझे पूछने दीजिए ना, सारे सवाल। अरे जवाब जी सवाल मुझे पूछने दीजिए ना, जवाब ये आप सवाल बात मुझे पहले मेरा सवाल जो था उसका जवाब दे रहे हैं। अब मैं जी के पास चलूंगा, को दिखाना हाँ। अपनी अम्मी को दिखाना, बेगम को दिखाना, पर्सनल लाओ ये पारिवारिक। अजय जी आपके पास आएंगे, आप टीवी चैनल, अजय जी आपके पास आएंगे, अजय जी दानिश भाई ने आपको सवाल उठाया और सवाल मेरा भी है, सवाल मेरा भी है कि 80 में 1980 में आपने 17 उम्मीदवार उतारे थे, 12 जीते, अब 6 पे क्यों आ गए? अब आ रहा हूँ। अरे जवाब जी, अजय जी जवाब दीजिए, अजय जी जवाब दीजिए। अंजनी जी, दानिश भाई ने जवाब दिया और सवाल पूछा आपसे। अंजनी जी, जी बोलिए बोलिए, अजय जी बोलिए। अंजनी जी देखिए, हाँ, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये केवल मुद्दों से भटकाने का प्रोपोगंडा है, केवल भारतीय जनता पार्टी और उसके आईटी सेल का। इनके पास मुद्दे नहीं है, बेरोजगारी से इस रोजगार देने में फेल हो गए नंबर एक, ये महंगाई रोकने में फेल हो गए नंबर दो, ये महिला सुरक्षा में फेल हो गए, महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी की। आप ये कहना चाहते हैं जो ओवैसी साहब ये बयान दे रहे हैं, ओवैसी साहब जो बयान दे रहे हैं वो बीजेपी के हैं? अंजनी जी सुन तो लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि श्रद्धा बालकर की हत्या और 35 टुकड़े की जिम्मेदारी बीजेपी के डिप्टी सीएम है फडणवीस और एकनाथ शिंदे उनके सीएम है और अमित शाह जी के अंडर दिल्ली पुलिस आती है, इन तीनों को इस्तीफा देना चाहिए। भारत की बेटी के 35 टुकड़े हुए हैं, ये महिला के 35 टुकड़े हुए हैं, ये हिंदू मुस्लिम की एकता अखंडता के टुकड़े हुए हैं। यहाँ पर बेटी की इज्जत का सवाल है, भारत की बेटी है ये मई। देखिए ये कुलदीप सेंगर के समर्थक, ये आरुषि हत्याकांड के मंत्री के बेटे के समर्थक, ये बात करेंगे अजय जी, ये स्वामी चिन्मयानंद के समर्थक, आप उस बेटी के घर पे क्यों नहीं गए? आप उस बेटी के घर पे क्यों नहीं गए? ये लोग आप श्रद्धा महिला विरोधी सरकार, ये हिंदू विरोधी सोच के लोग, ये राष्ट्र विरोधी सोच के लोग, ये मौरवी में घटना के क्रम के लोग, ये पूछता है आप राष्ट्र को जवाब दो कि मौरवी के हत्यारों को कब फांसी मिलेगी? मौरवी की जिम्मेदारी बीजेपी के चुनावों में सरकार बीजेपी की, पाटिल भूपेंद्र जी का इस्तीफा कब होगा? गृह मंत्री 150 से ज्यादा लोग मर गए, 47 बच्चे हैं, आज तक 22 दिन हो गए। हमारे नेता राहुल गांधी ने ट्वीट भी करा है और आफ्ताब के साथ साथ में ट्वीट भी करा है ना, ये आफ्ताब के साथ ये लोग हैं, ये बीजेपी के लोग आफ्ताब के साथी हैं, ये आफ्ताब के साथ है। आपने कैसे मार दिया? इनकी जांच होनी चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए, एसआईटी का गठन हो, सीबीआई जांच करे, ये क्यों डर रहे हैं? लेकिन अपना एजेंडा चला रहे हैं, ये प्रोपोगेंडिस्ट है, प्रोपोगेंडिस्ट तो हिटलर के भी होते थे। क्या हश्र हुआ था 10 साल की सत्ता के बाद? आप लोग ऐसे इस देश में क्यों नहीं गए? क्या आपकी भी जो सेक्युलरिज्म है वो धर्म और जात देख के आती है? नहीं, हमारे यहाँ जात नहीं देखते, हम देश की बेटी की इज्जत की बात करते हैं। नहीं नहीं, अंकिता भंडारी की इज्जत की बात करते हैं, करना चाहते हैं हम अंकिता भंडारी की इज्जत की बात करते हैं, श्रद्धा की इज्जत की बात करते हैं, ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, ये देश को तोड़ते हैं और हम देश को जोड़ते हैं। अभी आपने मेरे भारत जोड़ो यात्रा, अभी आपने मेरे शो में वाली उठाई, पूरे देश क्यों नहीं गए श्रद्धा के घर के? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी, ये तोड़ने वाले लोग, हम जोड़ने वाले लोग, ये भारत के लोग जानते हैं, गुजरात के लोग। दर्शक देख रहे, अजय जी दर्शक देख रहे, दर्शक देख रहे, ठीक है 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 ठीक है। अब जवाब 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 आप बहुत बोल रहे थे, अब ये बताइए, अब ये बताइए, अब ये बताइए, आ रहा हूँ, अब ये बताइए, अभी 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 इन्होंने अजय जी ने बोल दिया श्रद्धा के बारे में, आफ्ताब के बारे में, लेकिन क्या कोई कांग्रेस के नेता, कोई विपक्ष नेता पहुंचा उसके पास? आपको जवाब दे दूं, मोदी जी पहुंचे, सुनिए गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे, भागे गए थे, सुनिए बाइक से, मोदी जी पहुंचे, भागे भागे पहुंचे, अमित शाह पहुंचे, पहुंचे भाई बीजेपी में नेता का मतलब नरेंद्र मोदी साहब है। मैं बोलिए, देखिए
मैंने ये बार बार कहा कि घटना अत्यंत निंदनीय और सारे देश को शर्मसार करने वाली घटना है, लेकिन इस घटना की आड़ में जो लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं वो भी निंदनीय है, जो इसको हिंदू और मुसलमान का एंगल ले रहे हैं वो भी निंदनीय है, लेकिन कौन कर रहा है? सबसे पहले हमें ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को समझने की जरूरत होगी जो इस ऐसे जघन्य अपराध के बीच जाकर के पॉलिटिकल रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ऐसे नेताओं को भी पहचानने की जरूरत है जो एक खाई और एक दरार जो है वो एक समाज के बीच खड़ी कर रहे हैं। अरे चुनाव आएंगे जाएंगे, नेता जीतेंगे नेता हारेंगे, लेकिन देश रहेगा, देश को मजबूती के साथ खड़े करने की जरूरत है, लेकिन कौन लोग हैं जो इसकी आड़ में राजनीति कर रहे हैं? मैंने पहले दिन से कहा था जिस तरीके से फिरोज भाई आपके पास आएंगे, जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करके फांसी के तख्त के पहुंचाया फिरोज भाई, एक नजीर फिरोज भाई, फिरोज भाई अंदर के हिंदुस्तान, फिरोज भाई, फिरोज भाई, फिरोज भाई, ओवैसी साहब जब से गुजरात के मुद्दे आए हैं, फिरोज भाई आ रहे हैं, जवाब ठीक है, फिरोज भाई जब से ओवैसी गुजरात के मैदान में कूदे हैं, जब से गुजरात के मैदान में कूदे हैं 80 बनाम 20 और टोपी की बात कर रहे हैं, क्या क्या वो पूरा गुजरात का चुनाव धर्म के आधार पर लड़ना चाहते हैं वो? तुम अपनी टोपी और बोटी को अलग लेके बैठो जवाद मियां, ये नकली दाढ़ी तुमने लगा रखी है, अपनी टोपी और बोटी को अलग लेके बैठी है, मेरी बात सुनिए आप। सर उनको छोड़िए, आप ओवैसी मुद्दे पर जवाब दीजिए, क्योंकि ओवैसी यहाँ पे उन्होंने अपना मुद्दा सेट कर दिया। सुनिए ओवैसी साहब जो काम कर रहे हैं वो महज अपनी एक सीट के लिए पूरे हिंदुस्तान में जहर उगल रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में आग लगा रहे हैं ओवैसी साहब। और मैं बता दूं कि ओवैसी साहब अगर इस गलती में हैं कि मुसलमान उनको अपना नेता समझता है, मुसलमानों का नेता अगर आज कोई है तो नरेंद्र मोदी है, मुसलमानों का अगर कोई नेता है तो अमित शाह है, मुसलमानों का अगर कोई नेता है तो योगी है, मुसलमानों का नेता ना टोपी लगा है, कौन सी टोपी आपने पहनी हुई है? अरे 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 तुमने कौन से दाढ़ी उगा रखी है? अरे तुमने कौन से दाढ़ी उगा रखी है? अरे तुम्हारे जैसे मुसलमानों को बाधक है, अरे तुम्हारे जैसे मुसलमानों की वजह से आज मुसलमान बदनाम हो रहा है, और इतनी हिम्मत इतनी ताकत और कुव्वत रखते हैं कि डरते सिर्फ अपने ऊपर वाले अपने रब से किसी से नहीं डरते हैं। अरे जुम्मा जी मैं सवाल पूछ रहा हूं, जवाब जी मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, सुनो फिरोज भाई ये बताइए क्या कोई उम्मीदवार नहीं मिला बीजेपी को? किसके राज में हुआ? अरे छोड़िए फिरोज भाई, फिरोज भाई मुझे बताइए कांग्रेस की फिरोज भाई के राज में हुआ? फिरोज भाई तुम ये बताओ फिरोज भाई मुसलमान काटा गया? फिरोज भाई मेरे सवाल का जवाब दीजिए, 3000 मुसलमान काटा गया आसाम में? किसके राज में? मेरे सवाल का जवाब दीजिए, गांधी के राज में बीजेपी को कोई उम्मीदवार नहीं मिला गुजरात में? गुजरात में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर 3000 मुसलमानों को काट रहे थे? अरे तुम रहने दो भाई, जहर मत उगलो, ठेकेदार मत बनो मुसलमानों के। ये अनार उगा के हर साल एक एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।